हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 31 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारे न्यू डिस्कशन की तरफ। तो पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है वो है एलोरा केव से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि एलोरा केव है वो कौन से रिलीजन या कौन से धर्म से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया बुद्धिज्म, दूसरा दिया गया जैनिज्म, तीसरा दिया गया हिंदुज्म और चौथा दिया गया यहाँ पे वैसेनिज्म। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर है वो करेक्ट है। देखो, हम बात करें एलोरा केव की, तो जो एलोरा केव है वो एक्चुअली बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुज्म तीनों जैसे तीनों रिलीजनों से बिलोंग है वो करती हैं। तो इसका आंसर वो यहाँ पे हो जाएगा डी, कि एक दो और तीन तीनों है यहाँ पे करेक्ट है। वैष्णव धर्म की बात की गई वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो एलोरा केव थी वो वैष्णव धर्म से बिलोंग है, वो नहीं करती है। आप ये बताइए जो एलोरा केव का टाइम पीरियड कब है। टाइम पीरियड सोच के बताइए कि एलोरा केव कब की बनी हुई है। एक बार आप सोचिए कि एलोरा केव है उनका टाइम पीरियड कब है। सोल्यूशन से मैंने आपको बताया कि जो एलोरा केव है वो तीन धर्मों को बिलोंग करती है, हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है जन शिक्षण संगठन के बारे में। क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमें ये दिया गया है कि जन शिक्षण जो संस्थान है वो एक्चुअली स्किल ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाने के लिए किसको, सेमी लिटरेटेड, इसके साथ नियो लिटरेटेड और इसी के साथ ही एस सी एस टी वुमेन एंड गर्ल्स हैं, स्लम जो एरियाज के लोग हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर है। अब आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो, यहाँ पे हम बात करें जन शिक्षण संगठन की, ये एक्चुअली यहाँ पे उसके आंसर है वो दोनों ही सही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उसी का ये एक इनिशिएटिव है और इसमें वो पर्सन जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है, जैसे कि जिन लोगों ने काफी एज के बाद एजुकेशन प्राप्त की है या फिर जिन्होंने आधी अधूरी एजुकेशन प्राप्त किया है, फिर एस सी एस टी या जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए जन शिक्षण संगठन है वो स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर है वो हो जाएगा ए और बी, दोनों सही है, मतलब सी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एनएसडीसी के बारे में। पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया है वो स्टेब्लिश कब हुआ था 2009 में नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पे। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया स्टेटमेंट कि एनएसडीसी है वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत है वो बनाया गया था, हमने सेटअप किया गया था। और तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी हिस्सेदारी इसमें 49% है शेयर है और इसी के साथ ही हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वो इसमें 51%, मतलब कि एनएसडीसी में 51% हिस्सेदारी तो प्राइवेट सेक्टर की है और 49% जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो अब आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, अपन बात करें यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसको लेके तीनों के तीनों इफेक्ट हैं वो सही है। इसको 2009 में नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तहत रजिस्टर किया गया था और बात करें इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के तहत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत सेटअप किया गया था और इसमें जो 49% जो हिस्सेदारी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और बात करें 51% जो हिस्सेदारी है वो है प्राइवेट स्टेक होल्डर की, क्योंकि देखो स्किल देने में प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो भी काफी अहम होता है, इसलिए ये प्रावधान इसमें किया गया है। अभी यह न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उसने रिनोल्ड जो निसान कंपनी है इसके साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि ट्रेनिंग है वो और अच्छे से करवाई जा सके। जो रिनोल्ड निसान कंपनी है वो आपको पता है कि बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, तो इस सेक्टर में ट्रेनिंग वगैरह है और भी अच्छी स्किल है वो प्रोवाइड करवाने के लिए एक टाइप है वो किया गया है। तो उसको लेके भी न्यूज आई कि चेन्नई का जो प्लांट है वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कुछ कंटेक्स्ट था उसके साथ हमने एनएसडीसी के कुछ फैक्टर उनको क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पे आर्टिसन स्पीक के बारे में। देखो, भी एक टेक्सटाइल शो आयोजित किया गया था, कहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटा केव में। कंटेक्स्ट तो कुछ इतना नहीं है हमारे लिए दमदार, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एलिफेंटा केव। कंटेक्स्ट वैसे ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है उसने भी अपनी एक टेक्सटाइल एंड कल्चर को लेकर एक प्रेजेंटेशन है या शो है वो आयोजित किया एलिफेंटा केव में 28 जनवरी को। ये था कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एलिफेंटा केव को। ये है देखो एलिफेंटा केव जो कि रॉकेट केव है वो बनी हुई है। ये एक्चुअली आपको पता है कि मुंबई के बाहर एक आइलैंड है, एक एलिफेंट आइलैंड, और वहाँ पे एक एलिफेंटा केव है वो बनी हुई है। देखो एलिफेंटा केव के कुछ फीचर्स डिस्कस करें। एलिफेंटा केव की सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे इनको यूनेस्को में रिजर्व है, प्रिजर्व है वो किया गया है। इसके साथ ये जो केव है ये आपको पता है एलिफेंटा आइलैंड जैसे मैंने आपको बताया वहां पे स्थित है वेस्टर्न इंडिया के हिस्से में,
और ये जो आइलैंड है इसको सिटी ऑफ केव के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको आइलैंड ऑफ गारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके कुछ फैक्ट हैं। देखो ये जो एलिफेंटा नाम है इसको वो दिया गया था पोर्तुगीज के द्वारा, क्योंकि जब पोर्तुगीज ने मुंबई को कॉलोनी बनाया था तो उन्होंने क्या किया था, जो यहाँ पे एलिफेंट के स्टेचू पाए गए थे और उसी आधार पर उन्होंने उसका नाम एलिफेंटे रखा था, और बाद में इसको एलिफेंटा आइलैंड या एलिफेंटा केव के नाम से धीरे धीरे जाना जाने लगा था। स्टार्टिंग में जो एलिफेंटा केव थी वो थी बुद्धिज्म धर्म से बिलोंग करती थी, इसके बाद धीरे धीरे इसमें शैव धर्म है उसका फेथ है वो भी टच है वो आने लग गया था। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि एलिफेंटा केव वो कौन से धर्म से बिलोंग करती हैं, तो बुद्धिज्म और शैव धर्म से बिलोंग है वो करती हैं। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो एलोरा केव है उनके समकालीन है, मतलब एलोरा केव और जो यहाँ पे एलिफेंटा केव है वो दोनों एक ही टाइम में बनी हुई है, 5th सेंचुरी CE की बात करें और 11th सेंचुरी CE के बीच में, मतलब 5वीं सेंचुरी CE से 11वीं सेंचुरी CE के बीच में एलिफेंटा और एलोरा केव का निर्माण है वो हुआ है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि इसमें एक 6th सेंचुरी का शिव टेम्पल बना हुआ है जो कि एलिफेंटा केव का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना कि 6th सेंचुरी में जो शिवा टेम्पल बना था एलिफेंटा केव में वो इसके सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है, सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल में से एक है इंडिया के बीवियन। इसके साथ ही अहम बात क्या है कि इसमें शिव है उनकी त्रिमूर्ति की एक संकलन दिखाई है, मतलब उसमें शिव जी के तीन फेस दिखाए गए हैं, तीन अवतार दिखाए गए हैं एक ही मूर्ति में, तीन साइड हैं जिसमें कौन कौन सी तीन फेसेस हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो है अघोरी, एक यहाँ पे दिया गया है अधोनारेश्वर और तीसरा दिया गया है यहाँ पे महायोगी, मतलब शिव जी के त्रिमूर्ति की संकल्पना यूपीएससी पूछ सकती है कहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है एलिफेंटा केव में अघोरी, अर्धनारेश्वर और यहाँ पे महायोगी की संकल्पना में त्रिमूर्ति की फॉर्म में शिव जी को यहाँ पे दिखाया गया है जो 20 फुट की एक मूर्ति है। इसके साथ ही एक ये पूछ सकती है यूपीएससी कि जो कल्याण सुंदरा के बारे में, कि कल्याण सुंदरा जो मिथोलॉजी के बारे में, तो यह ध्यान रखना कि शिव से बिलोंग है वो करती है। देखो शिव और जो पार्वती का विवाह हुआ था तो उसके जो प्रक्रिया जो प्रोसीजर थी एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको लेकर जो दर्शाया गया वो आती है यहाँ पे इस फॉर्म में। देखो यहाँ पे जो बनी हुई है मूर्तियां तो उनको आप यहाँ पे देख सकते हो और उन्हीं को यहाँ पे कल्याण सुंदरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है रेड फोर्ट डिक्लेरेशन के लेके। देखो अभी आपको पता है कि इस बार का जो हमारा रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस था इस मौके पे जो हमारे यहाँ बात करें कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया विजिट पे आए थे, तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि रेड फोर्ट डिक्लेरेशन किस रिलेटेड है। देखो जो रेड फोर्ट डिक्लेरेशन है वो साइन हुई थी 1997 में साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे नेल्सन मंडेला और उस टाइम पे इंडिया के प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा उनके बीच में क्या हुई थी इस पार्टनरशिप में, यह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। देखो हुआ क्या था कि जब अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करती थी इंडिया और साउथ अफ्रीका, तो ये बात इंडिया तो फिर आजाद हो गया था 1947 में, तो उसके बाद भी काफी लंबे टाइम तक जो साउथ अफ्रीका है वहां पे अंग्रेजों का अदर कॉलोनीज का रूल है वो हुआ करता था। और आपको पता है कि इंडिया है वो रंग भेद की नीति का काफी विरोध करता था, और इवन हम बात करें साउथ अफ्रीका में तो रंग भेद की नीति काफी पुरजोर पे या काफी चरम पे चलती थी। इसीलिए हुआ क्या था कि इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका ने अपने रिलेशन कट कर लिए थे, क्यों, क्योंकि इंडिया तो उसके काफी एंटी हो गया था ना कि भाई इंडिया तो जो एक तरीके से रंग भेद की नीति इसका विरोध कर रहा था और वहां पे तो रंग भेद की नीति को काफी तवज्जो दी जाती थी, इसलिए इंडिया के रिलेशन है वो साउथ अफ्रीका के साथ खराब चल रहे थे। फिर जब आपको पता है कि 1993-94 के टाइम पे जब वहाँ पे आजाद हुआ गणतंत्र या आप बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी आई साउथ अफ्रीका में उस दौरान इंडिया के साथ वापस से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की बात हुई, और उसी दौरान 1997 में वहाँ के प्रेसिडेंट ने इंडिया के प्रधानमंत्री के साथ रेड फोर्ट डिक्लेरेशन साइन की थी। ये हुई कहाँ थी, इंडिया के रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में, तो इसलिए इसको रेड फोर्ट डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी पूछ सकते हैं कि रेड फोर्ट डिक्लेरेशन कौन से देश वगैरह से रिलेटेड है, तो यह ध्यान रखना है साउथ अफ्रीका, क्योंकि देखो अभी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट पे आए थे तो इसलिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारी गणतंत्र दिवस में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है INS कुहासा को लेके। देखो कंटेक्स्ट ये है कि अंडमान जो नॉर्थ अंडमान है उसमें एक नेवल एयर स्टेशन है, मतलब एक गाँव है एक जगह है जहाँ पे नेवल बेस बनाया गया जिसका नाम है यहाँ पे सहीपुर, और उसी में INS कुहासा को स्थापित है या INS कुहासा को वहाँ पे ऑपरेशन कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए नॉर्थन कमांड की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे स्थापित है वो क्या गया है। इसके साथ देखो हम बात करें कि अंडमान निकोबार में टोटल 3 सिक्योरिटी एरिया या 3 नेवल एयरबेस बनाया गया है, एक तो बनाया गया है यहाँ पे INS उत्तरकोस जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, और दूसरा है INS बाज जो कि कैम्बेल बे में है, और ये तीसरा है जो आपने अभी देखा INS कुहासा ये बनाया है वो गया है। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि INS कुहासा क्या का कोई शिप है या फिर कोई नेवल एयरबेस वगैरह, तो मैं ध्यान रखना कि भी एक नया एक नेवल एयरबेस है वो बनाया गया है।
इसके देखो नॉर्थन अंडमान के आपको पता है काफी नजदीक है, वो है कोको आइलैंड जो कि म्यांमार के अंडर आते हैं, और उस एरिया में जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें भी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए इनका रोल है वो काफी अहम है वो हो जाता है। तो इसलिए INS कोहांसा के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, तो ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में है। अब देखो हम बात करें कि जो INS कोहांसा है किस नाम पे दिया गया है। INS कोहांसा है ना वो एक्चुअली व्हाइट बियर्ड एक सी ईगल होता है, उसके नाम पे इसका नाम है वो रखा गया है। तो देखो इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम ये देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट अभी नाम आई गया तो जिक्र कर लेते हैं। जो व्हाइट बेल्ट जो सी ईगल है वो एक्चुअली ध्यान रखना है कि IUCN की लिस्ट कंकर्रेंट लिस्ट में आता है ग्लोबली लेवल पे, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ईगल है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सड़ेगले जानवर वगैरह है उनको खाता है, ये वगैरह इसके काम है, मतलब जो ओशन के किनारे जो सड़ेगली मछलियां होती हैं फिर जो भी वेस्टेज होते हैं उनको खा के अपना जीवन निर्वाह वो करते हैं। और इनका जो मैक्सिमम हैबिटेट है वो एरिया कौन कौन सा है, इंडिया, श्रीलंका, इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में यह पाया है वो जाता है। तो ये इसके कुछ लोकेशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च को लेके, यानी कि ICAR को लेके। देखो ICAR है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। ये ध्यान रखना है कि ICAR को 1860 कौन सा सोसाइटी रिसर्च एक्ट, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत 16 जुलाई 1929 को रजिस्टर है वो किया गया था, मतलब हमारी आजादी से पहले ये बना हुआ है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। काम क्या है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, देखो नाम से थोड़ा पता चल रहा है कि यह एक इंडिया की अपेक्स बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करती है, गाइड करने का काम करती है, इसके साथ ही एग्रीकल्चर के एरिया में रिसर्च और एजुकेशन को मैनेज है वो करती है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गई, फिर एनिमल साइंस हो गई, इसके साथ ही जो पूरे वर्ल्ड पूरी कंट्रीज हो गई हमारी उसके सारे अलग अलग हिस्सों में जो भी एग्रीकल्चर की रिसर्च वगैरह करनी हो, सर्वे वगैरह करना हो, वो सारा काम ICAR के द्वारा ही किया जाता है। अभी हम देखते हैं और फैक्ट। देखो ICAR अभी न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि आपको पता है कि हर साल 26 जनवरी के मौके पे गणतंत्र दिवस में जो परेड होती है तो उसमें झांकियां निकाली जाती है, और उसी के दौरान जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने एक अपनी झांकी निकाली थी कुछ इस तरीके की, जो आप देख सकते हो यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, और उसमें गांधी जी के नाम पे थीम रखी गई थी जिसमें एक्चुअली जो एग्रीकल्चर है पशुधन है इसको मतलब काफी रंग से अच्छे से तरीके से शो किया गया था। तो इसको अभी फर्स्ट प्राइज मिला है कि भाई इन्होंने काफी अच्छा शो है, काफी इसने अपनी प्रदर्शनी है वो लगाई है, तो उसको लेकर न्यूज आई है तो UPSC यहाँ पे क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। तो देखो ये टेबल की थीम क्या थी वो देखते हैं कि भाई जो रिपब्लिक डे के जो परेड में थीम थी वो थी यहाँ पे किसान गांधी, मतलब जो यहाँ पे ICAR के द्वारा जो फर्स्ट प्राइज जीता गया है वो इसलिए जीता गया कि उन्होंने अपनी झांकी की थीम रखी थी किसान गांधी, और इसका जो थीम थी उसका नाम पे रखा था मिश्रित खेती खुशियारों की खेती, तो ये इसकी थीम थी। अब देखो गांधीन जो फिलोसफी थी इसको यह प्रमोट कर रही थी, क्यों, क्योंकि इसमें स्वदेशी जो ब्रीड्स हैं उसको प्रमोट करने की बात की गई थी, इसके साथ ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जो गोट मिल्क है यानी बकरी का जो दूध है वो अच्छी हेल्थ के लिए रहता है और इसीलिए इस पर फोकस है वो किया गया था। ये तो होगी एक न्यूज। इसके साथ ही एक न्यूज और आई है, एक न्यूज ये आई है कि ICAR है उसने एक रिसेंटली अपना 1100 करोड़ का यानी 1100 करोड़ का एक फंड एक प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट करेगा क्या, इस प्रोजेक्ट का काम यह है कि हमारे देश में जो हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन है इसको इम्प्रूव किया जा सके, मतलब एग्रीकल्चर के एरिया में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। और यह ध्यान रखना है इस प्रोजेक्ट में जो 50% हिस्सेदारी है वो इंडियन गवर्नमेंट की है और 50% जो फंड है वो दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, UPSC पूछ सकती है कि नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन जो प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा है या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा है या ADB के द्वारा, तो हमें ये फैक्ट ध्यान में रखना कि भाई वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको सपोर्टेड है, 50% पैसा इसके द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। देखो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गंगा एक्सप्रेसवे के मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्शन की अनुमति अप्रूवल है वो दे दी है। यह ध्यान रखना है कि यह 600 किलोमीटर का लॉन्ग सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि वर्ल्ड का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाएगा। अभी इसको केवल प्रस्तावित किया गया, अभी बना नहीं है। कहां से कहां जोड़ेगा यह प्रयागराज जो कि इलाहाबाद है उसको वेस्टर्न प्रदेश से कनेक्ट करने वाला है। तो यह फैक्ट है वो ध्यान में रखना है कि वेस्टर्न UP वाले एरिया को प्रयागराज से कनेक्ट है वो करने वाला कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ एक छोटी सी न्यूज और थी, वो थी गोल्डन लंगूर ब्रीडिंग प्रोजेक्ट इन आसाम, मतलब गोल्डन लंगूर की ब्रीडिंग को प्रमोट करने के लिए आसाम के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो उसको लेके न्यूज है वो आई है।
तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि गोल्डन लंगूर की ब्रीडिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे है, आसाम में है। और हम बात करें गोल्डन लंगूर की, जो कि एक्चुअली क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है आईयूसीएन की, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रखना है। इसके जो मैक्सिमम एरिया है, मतलब ये गोल्डन लंगूर पाया जाता है, वो पाया जाता है मेनली नॉर्थ वेस्टर्न आसाम, इसके साथ ही कुछ भूटान और त्रिपुरा वाले एरिया में है पाया है, हो जाते हैं, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है चीन शरणार्थी या फिर चीन रिफ्यूजीज को लेके। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि आपको पता है जो चकमा रिफ्यूजीज थे उनके कुछ संगठन हैं, 8 संगठन हैं, उन्होंने हमारे होम मिनिस्टर से या गृह मंत्रालय हैं उनको एक ज्ञापन या एक उन्होंने लेटर लिखा है कि भाई आप जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी लेके आए थे 2016, इसमें आप अमेंडमेंट कीजिए और जो चीन रिफ्यूजीज हैं इनको भी इसमें शामिल कीजिए कि उनको भी नागरिकता दी जाएगी। आप ये बताइए कि तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 है, इसमें कौन कौन से धर्म के लोगों को नागरिकता देने की बात है वो की गई है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखो जो चीन रिफ्यूजीज हैं वो एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये म्यांमार से वैसे बिलोंग करते हैं और ये ज़्यादातर ईसाई धर्म से बिलोंग है वो करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चीन रिफ्यूजीज हैं वो म्यांमार के हैं और ज़्यादातर ईसाई धर्म से बिलोंग हैं वो करते हैं। और इंडिया में इनकी पॉपुलेशन है वो लगभग 1.2 लाख के आसपास है, ये तो फैक्ट रखने की जरूरत नहीं है। और मिजोरम में इनकी संख्या इंडिया में सबसे ज़्यादा है, मतलब ये म्यांमार से आते हुए मिजोरम में चले जाते हैं। अब देखो हम बात करें कि जो मणिपुर और जो मिजोरम वाला एरिया है उसमें जो कुकी और जो जोमी जनजाति रहती हैं उनसे इनके रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं या फिर उनके साथ ये काफी घुल मिल के रहते हैं। ये देखो यहाँ पे चीन रिफ्यूजीज के बारे में थोड़ा डाटा दिया गया है कि चीन रिफ्यूजी वर्ल्ड के कौन कौन से हिस्से में है, यूएसए के अंदर भी है, कैनेडा में भी है, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, सबसे ज्यादा इंडिया में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मलेशिया अदर कंट्रीज में भी है, बट इंडिया में इसका थोड़ा डाटा यहाँ पे दिया गया कि देखो म्यांमार के काफी क्लोज बॉर्डर है त्रिपुरा का, मिजोरम का, तो वहाँ पे इनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो यूपीएससी चीन रिफ्यूजीज के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई कौन से धर्म से, तो ईसाई धर्म से बिलोंग है वो कर सकते हैं। देखो जिस तरीके से यूपीएससी ने आपको बताया कि रोहिंग्या के बारे में काफी मामला था तो वहाँ पे भी फैक्ट बना था कि रोहिंग्या वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उसी तरीके से चीन रिफ्यूजी हैं वो ईसाई धर्म से बिलोंग है वो करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जिका वायरस को लेकर। देखो आजकल काफी न्यूज में, इसलिए एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज है वो कर लेते हैं, काफी बार वैसे डिस्कशन भी की है। जिका वायरस वो एक देखो मच्छर है जिसका नाम है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, इसकी वजह से यह फैलता है और इसी मच्छर की वजह से हम बात करें डेंगू हुआ, चिकनगुनिया है, वो फैलता है। और ये जिका वायरस इसका सबसे पहले सबूत था वो पाया गया था युगांडा के फॉरेस्ट में, युगांडा में एक जिका फॉरेस्ट है वहां पे इसके सबूत है वो पाए गए थे 1947 में। अब देखो जिका वायरस के जो सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स एक तो ये हैं कि हेडेक होने लगता है, फीवर होती है, इसके साथ ही आंखों में जलन होती है, मसल पेन होता है, स्किन पे रैसेस हो जाते हैं, जॉइंट पेन है वो होता है। ट्रीटमेंट तो आपको पता है डॉक्टर के पास वगैरह जाना, ये सब बेसिक ट्रीटमेंट हो गए। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिका वायरस के लिए अभी तक कोई ऐसा वैक्सीन नहीं बना है जो इसको ढंग से प्रिजर्व है वो कर सकता है, उसके लिए रिसर्च है वो चल रही है। और यह ध्यान रखना है कि जिका वायरस है वो सेक्सुअली भी मतलब ट्रांसमिट है वो कर सकता है, इसके साथ ही जो प्रेग्नेंट वुमेन को अगर यह इफेक्ट करता है तो जो बेबी होता है न्यूबॉर्न बेबी उसमें माइक्रोसिफेली मतलब सिंड्रोम है वो हो सकता है, मतलब बच्चे का जो सिर है वो अबनॉर्मल नॉर्मल साइज से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, तो ये इसको लेकर कुछ इफेक्ट भी यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ एक नया सिंड्रोम भी दिया गया यहाँ पे, वो आपको आप देख सकते हो यहाँ पे गुइलियन जो बेरियर सिंड्रोम है वो भी एक्चुअली जिका वायरस की वजह से ही फैल सकता है, जो कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है उसको इफेक्ट है वो करता है, तो इसको लेकर कुछ न्यूज है वो आई है, तो अभी हमने यहाँ पे जो इफेक्ट है उनको डिस्कस किया। तो ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।